सवाल पूछेंगे मेरी गर्दन मुड़ जाएगी। नहीं, लोग आपको सामने देना चाहिए। ओके सर, सबसे पहले तो आईफा के बारे में बताइए, किस तरह का रिश्ता रहा है आईफा के साथ, क्योंकि आपकी इस साल जो फिल्म आई है काफी सराही गई सब लोगों के बीच में, तो आईफा के साथ पहले तो कैसा रिश्ता रहा आपका? आईफा उन चंद अवार्ड फंक्शंस में से जो आप देखते हुए बड़े होते हैं एंड आपको इंस्पायर करते हैं कि किसी दिन यार मैं भी उस प्लेटफॉर्म पे कभी खड़ा हूँ, तो आई फील ब्लेस्ड कि आज फाइनली मुझे इस साल मौका मिला है, ये मेरा पहला आईफा होगा। एंड आईफा आई थिंक वो अवार्ड फंक्शन होता है जो जहाँ पूरी इंडस्ट्री वेट कर रही होती है कि आईफा इस साल कहाँ होगा, क्या होगा, कितना बड़ा होगा, तो वो एक्साइटमेंट एक हमेशा जो आईफा के लिए होती है वो किसी और अवार्ड फंक्शन के लिए नहीं होती। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये मेरा पहला साल है आईफा में, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अवार्ड बहुत एक ज़रूरी वैलिडेशन भी है और अच्छा लगता है कि जब आप पूरी मेहनत से एक फिल्म पे काम करते हो, अपनी जी जान लड़ा देते हो, उसके बाद जब आपको एक वैलिडेशन मिलता है अवार्ड के तौर पे, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी आपके एफर्ट्स को सराहा गया है, तो एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर होता है और आपका मोरल बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट होता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अभी June 24th इज़ माई नेक्स्ट रिलीज विच इज़ रमन राघव 2.0 जो अनुराग सर ने डायरेक्ट किया, अनुराग कश्यप जी ने, को स्टारिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एंड उसके बाद आई स्टार्ट शूटिंग फॉर मनमर्जियाँ विच इज़ एन आनंद राय प्रोडक्शन एंड डायरेक्टेड बाय अश्विनी अय्यर। तो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू, वेरी एक्साइटेड। इम्पॉर्टेंट फिल्म तो खैर हर एक फिल्म इम्पॉर्टेंट होती है, बट मेरे ख्याल से रमन राघव इज़ वन ऑफ माई मोस्ट स्पेशल फिल्म, बिकॉज मेरी इस इंडस्ट्री में शुरुआत जो मेरा पहला कदम था वो अनुराग सर के साथ था। मैं उनके साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मैंने काम करना शुरू किया था। एंड फिर 5 साल बाद जब उन्हीं के साथ उन्हीं की फिल्म में काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर और नवाज भाई के साथ को स्टार कर रहा हूँ एक फिल्म में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी। रमन राघव में जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर्स आई प्लेड, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत एक्साइटिंग फिल्म है, बहुत इंटेंस फिल्म है, सो लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा कि अवार्ड्स काफी मायने रखते हैं, बट डिस्पाइट गेटिंग सो मच अप्रिसिएशन फॉर योर फिल्म मस्तान, डेब्यू अवार्ड नहीं मिल पाया आपको, तो कहीं ना कहीं ऐसे दुख होता है मन में कि इतनी अप्रिसिएशन मिली बट अवार्ड नहीं मिल पाया? टू बी ऑनेस्ट, पता है मुझे लग रहा था कि शायद, पता है अगर नहीं अवार्ड मिलेगा तो शायद मुझे कुछ फील होगा, थोड़ा नेगेटिव फील होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मे बी बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि इतनी प्रशंसा हुई, इतनी अप्रिसिएशन हुई, सब कुछ, तो आई थिंक आई वाज सो ओवरवेलम्ड विद ऑल ऑफ दैट कि जिस तरीके से ऑडियंस ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से क्रिटिक्स ने रिएक्ट किया एंड द फिल्म फ्रेटर्निटी एज वेल, कि पता नहीं शायद कोई वो जगह नहीं मिली क्रिप करने के लिए कि अरे यार अवार्ड क्यों नहीं मिला, तो शायद अच्छा ही हुआ कि वो इतनी तारीफ हो गई कि मन उसी से भर गया। देखिए हर अवार्ड्स का, हर अवार्ड्स पैनल का, हर जजिंग पैनल का एक अपना प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करते हैं एंड इवेंचुअली अगर वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी को विनर साबित करते हैं तो वी नीड टू रिस्पेक्ट इट एंड आई टोटली रिस्पेक्ट इट एंड उनका वो अपना ओपिनियन है एंड दैट्स कम्प्लीटली फेयर ऑन दैट पार्ट। तो आई डोंट नो मैं उससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। नहीं नहीं पता नहीं, शायद हो भी सकता है, मैं अभी वो उस बारे में कहना मेरे लिए बहुत आई डोंट नो, मैं उतना शायद एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझे अभी तक 1 ही साल हुआ है इस इंडस्ट्री में, तो मुझे पता नहीं कि क्या चीज़ें हेल्प करती हैं क्या नहीं हेल्प करती, बट इतना पता है कि आपके काम में, आपके क्राफ्ट में, आपके टैलेंट में आप कितनी मेहनत डालते हो वो ज़रूर काम आता है। तो मेरा फोकस उसी पर रहेगा कि जब कैमरा फेस करूँ तो जब मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले तो वहाँ मैं ना चूकूँ, बाकी आगे देखते हैं कैसा होता है। अनुराग कश्यप स्टाइल, खैर वो शायद क्योंकि ट्रेनिंग इतनी कड़क मिल चुकी है गैंग्स ऑफ वासेपुर से, तो शायद वो मेरा जॉनर भी है, वो पसंद भी करता हूँ, बट आई थिंक मैं हर जॉनर में अपने आप को टेस्ट करना चाहूँगा एंड हर किस्म की फिल्म करना चाहूँगा एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि हर किस्म की फिल्म ऑफर हो रही है, कुछ कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड है कि क्या होता है आगे। There are lots of Bollywood actors. Amit ji hain, Ranveer Singh hain, Shahrukh sir hain, there are so many of them. Amir sir hain. I think unka body of work itna
इतना कमाल का है कि आप उनके कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको फॉलो करते हो, कितने सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए बड़े हुए हो. तो आई थिंक ये सारे फिगर्स हैं जो जो आप आई मीन दे इंस्पायर मी विद एवरी फिल्म ऑफ देयर्स. See, Anurag sir and me share a different bond. It's more than a director-actor bond. Anurag sir knows me in and out, my upbringing, my family, where I come from, everything he knows. And apart from my professional decisions, he's aware of everything that's happening in my life. So he's like family to me. So eventually landing up on a film set where he's directing me as a director and I'm acting on his film, it was special, it was surreal. And with a film like Raman Raghav, I knew that I had to put my A game forward. And that's what I tried doing. And let's see how the audience reacts to it now. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.